गाइस, hey सो so, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घर से रिलेटेड ईडियम्स की जो चीज़ें घर में होती हैं उसमें जो ईडियम्स आते हैं सो गेन एज फार एज ईडीएम्स आर कंसर्न दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में सी डी एस ई हो एन डी एस एस सी हो बहुत सारे पेपर्स में आपको ईडियम्स मिलते ही हैं राइट प्लस ईडियम्स इज वन थिंग अगर आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करने की सोच रहे हैं तो यू कैन लर्न अफ्यू एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैम सो इट रियली मेक्स यू साउंड गुड राइट So, so, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन ईडियम्स की जिसमें हाउस या घर से रिलेटेड कोई चीज़ें हों फर्स्ट थ्री इडियम्स आर एज सेफ एज अ हाउस जैसा कि ये ईडियम खुद ही आपको सजेस्ट कर रहा है हमको हमारा घर कौन सा लगता है हमारे को हमारा घर सबसे ज़्यादा सेफ जगह लगती है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जगह लगती है सो एज सेफ एज अ हाउस का मीनिंग है कोई ऐसी जगह जो बहुत ही सेफ uh, हो दूसरे पे आते हैं हाउस ऑफ करेक्शंस वो घर जहाँ पे आपको सुधारा जाता हो तो हाउस ऑफ करेक्शंस क्या हो गया जेल तो जेल को मैं हाउस ऑफ करेक्शंस बोल सकता हूँ सो आ प्रिजन इज और कैन बी यूज एज हाउस ऑफ करेक्शन तीसरा हो गया थ्रो मनी डाउन द ड्रेन अब यहाँ पे क्या है ये शब्द ईजी है अगर आपको ये वर्ड पता है तो आप इस मीन का मीनिंग आराम से निकाल सकते हैं ड्रेन का मतलब होता है नाली तो पैसा नाली में फेंकना मतलब पैसा बर्बाद करना सो so, ये हमारे फर्स्ट थ्री इडियम्स इनके मीनिंग्स लिख लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं सो so, गाइज जल्दी से मीनिंग लिख लीजिए फर्स्ट एज सेफ एज अ हाउस मीन्स अ वेरी सेफ प्लेस हाउस ऑफ करेक्शन इज प्रेजेंट एंड टू थ्रो मनी डाउन द ड्रेन इज वेस्ट मनी आगे मूव करते हैं ठीक है सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्री इडियम्स नेक्स्ट वन इज ईट आउट ऑफ द हाउस एंड होम अब इसका क्या मतलब है ईट आउट ईट आउट बेसिकली होता है बाहर खाना और आप बाहर तो खा रहे हैं लेकिन खा घर में ही रहे राइट right? तो अगर मैं इस ई को देखूँ तो आप ईट आउट कर रहे हैं आप बाहर खा रहे हैं बट यू ईटिंग आउट ऑफ द हाउस और होम सो आप किसी और के घर में खा रहे हैं ईट एट समबडीज प्लेस तो आप किसी और के घर में आपका आप हमेशा अपने दोस्त के यहाँ रहते हैं आपका खाना पीना भी दोस्त के यहाँ चलता है तो कोई आपको ताना मारने के लिए बोल सकता है दैट यू ईट आउट ऑफ द हाउस और आगे चलते हैं वेयर द पैंट्स इन द हाउस दिस इज अगेन वन वुड हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री नाउ द प्रॉब्लम इज अगर आप किसी भी भाषा को देखेंगे तो देयर इज दिस थिंग कि फेमिनिज्म एंड फेमिनिज्म इज सप्रेस्ड मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीजें लड़कों के uh, लड़कों को दी जाती हैं अगेन एज द गाइज वेयर पैंट्स आपने एक सुना होगा मैन ऑफ द हाउस तो मैन ऑफ द हाउस क्या ऑन होता है जो खर्चा चलाता है सेम गोज विद दिस जैसी पैंट आ गया आप घर में पैंट पहन पैं रहे हो मतलब आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो मतलब आप घर के ओनर हो आप घर को रन करते हो आप घर में पैसा लाते हो सो बिकॉज ऑफ़ द ओल्ड ट्रेडिशन वेयर मैन व कंसिडर टू बी द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली वहाँ से ये ईडीएम आया है कि भाई आपने पैंट पहनी है आप आदमी हो घर के आप ही खर्चा चला रहे हो यू आर द वन रनिंग द हाउस सो वेयर द पैंस इन द हाउस यू आर द वन रनिंग द हाउस नेक्स्ट पे आते हैं स्केलेटन इन द क्लाजेट क्लाजेट होता है अलमेरा अलमारी अलमारी के अंदर आपने क्या छुपाया हुआ है कंकाल तो अब कंकाल क्या हो सकता है आपकी कोई ऐसी हरकत जो कि बहुत ही शेमफुल हो सो एनी थिंग जो आपको एम्बेरस करे एम्बेरस अगेन शेमफुल ठीक है तो आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप छुपा रखा है आपने सबसे और अचानक वो पता चल जाए तो दैट इज़ हाइडिंग द स्केलेटन इन द क्लाज सो आपने किसी बात को सबसे छुपा दिया कि किसी बात को मतलब शर्मनाक बात को जल्दी से इनके मीनिंग्स लिख लेते हैं और आगे मूव करते हैं सो so गाइज अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये इसकी मीनिंग्स हैं सो ईट आउट ऑफ द हाउस एन होम ईट एवरीथिंग इन सम्बडीज हाउस किसी और के घर में सब कुछ अपना खाना पीना चलाना वे आर द पैंट्स इन द हाउस बी द बॉस इन द हाउस या रन द हाउस होल जब आप घर के बॉस होते हैं या आप घर चलाते हैं तो उसको मैं बोलूंगा वे आर द पैंट्स इन द हाउस स्केलेटन इन द क्लॉज स्केलेटन इज आपने अपने कोई इराज छुपाया हुआ है सो एन एम्बेसिंग और शेम फुल सीक्रेट क्योंकि अभी वो अलमारी में बंद है अलमारी में बंद है तो सीक्रेट रिवो है आजकल एक और ईडियम बहुत ज़्यादा आता है कम आउट ऑफ द क्लोजेट मतलब आप अलमारी में बंद थे और आप अलमारी के बाहर आ गए तो कम आउट ऑफ द क्लोजेट इज आप अपना सीक्रेट रिवील करते हो तो कम आउट ऑफ द क्लोजेट आजकल ज़्यादा यूज होता है जब आप अपनी सेक्शुअलिटी सामने वाले को बताते हो यूजुअली जब हम होमोसेक्सुअल्स की बात करते हैं गेज लेस्बियंस सो इफ दे कन्फेस इट टू समबडी कि आई एम अ गे आई एम अ लेस्बियन सो इसका ईडियम क्या होता है दे कम आउट ऑफ द ट सो so, ये हो गए गायस हमारे अगले तीन ईडियम्स सो right, so, इस वीडियो के लास्ट तीन ईडियम्स की बात कर लेते हैं गेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर या गेट योर हाउस इन ऑर्डर तो अपने घर की परेशानियाँ सॉर्ट आउट करना अपने घर के अरेंज करना जो आपके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सुधारना ठीक करना देट इज़ कॉल्ड केट योर हाउस इन ऑर्डर जैसे कहते हैं ना कि भाई दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपनी तो देख ले अपने घर में तेरे घर में क्या चल रहा है उसे तो ठीक कर ले तो इसका इंग्लिश में मीडियम क्या होगा गेट योर हाउस इन ऑर्डर तो आप अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो भी चीज़ें हैं आप उसको ठीक कर रहे हो दैट इज़ गेट योर हाउस इन ऑर्डर थ्रो इन द टाल थ्रो इन द ट्राल जितने लोग बॉक्सिंग देखते होंगे बहुत कॉमन वर्ड है मिक्स मार्शल आर्ट्स देखते होंगे बहुत कॉमन वर्ड है अगेन uh, एक सुल्तान मूवी में जब एंड में सलमान खान मरने वाला होता है सो उसका मैनेजर क्या कहता है मैं मैं टाल में फाइट रुकवा रहा हूँ तो थ्रो इन द टाल कब होता है ये वहीं से ई आया है जब आपका बॉक्सर पिट रहा होता था हारने वाला होता था और आपको लगता था कि इसको बहुत चोट लग जाएगी हार तो गया ही है तो जो उसका मैनेजर होता था उसका कोच होता था वो टाल फेंक देता था, था मतलब हार मान लेता था तो थ्रू इन द टाल का मतलब है आपने अपनी हार मान ली इसी तरह से हिट द रूफ हिट द रूफ का मतलब क्या है आप गुस्से में आग बबूला हो गए मतलब यू गॉट वेरी वेरी एंग्री सो उसका मीनिंग उसका क्या होता है हिट द Roof. So, ये थे हमारे लास्ट तीन ईडियम्स इनके मीनिंग्स रख लेते हैं पहले सो गाइज गेट योर हाउस इन ऑर्डर सोल्व योर प्रॉब्लम थ्रू इन द ट हारमान ली क्वेट या गिवअप गिव अप एक फ्रेजल वर्ब भी है जो गिन आपके एग्जाम्स में बहुत आता है तो गिवअप का मतलब होता है हारमान लेना हिट द रूफ बिकम वेरी वेरी एंग्री सो ये नौ ईडियम्स थे जो काइंड kind ऑफ of आपके घर या घर से रिलेटेड वर्ड्स के साथ थे सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू